गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों राजू पपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, कटिंग की दिसंबर में आ सकती है भर्ती, बोले तो दिसंबर में चालू हो सकती है प्रक्रिया। अभी ये प्रक्रिया दोस्तों आप सभी को पता है बहुत पहले से चालू हो रही है। न्यूज़पेपर तो तमाम चीज़ें निकालता है। अभी न्यूज़पेपर ने कुछ दिन पहले ये भी निकाला था कि अब लड़कियों के लिए 30% रिजर्व कोटा मिलेगा, लेकिन वो 20 ही था। तमाम तरह के न्यूज़पेपर्स ने निकाला था, सब गलत निकाला था। तो ये दिसंबर में अभी ये बता रहे हैं, ये कौन सा सही है, ठीक है ना? तो ये टोटली मैं बताऊंगा दोस्तों, सब गलत है। ये अनुमान ये भी लगा रहे हैं कि दिसंबर तक चालू हो जाए। इन्होंने वही देखा होगा 22 नवंबर को सुनवाई वाला। अभी ये कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है दिसंबर में भी ना हो और आगे जाए, लेकिन उम्मीद यही थी कि अक्टूबर के लास्ट तक दोस्तों भर्ती आ जानी चाहिए। अभी अक्टूबर जाने वाला है, लेकिन भर्ती पे अभी ऐसी कोई लग ही नहीं रहा कि भर्ती ये लोग देने वाले हैं। लेकिन ऑलरेडी सभी तैयारियां हो रखी हैं भाई, आप सभी को मैं बता चुका हूँ। मैं भर्ती बोर्ड भी गया था, तब भी मैंने यही चीज़ पूछी थी, तो वहाँ पर डेट कोई कंफर्म नहीं थी, तभी मैं समझ गया हो सकता है ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जाए। मैं आपको ऑलरेडी 6 महीने पहले ही बताया था कि ये फिर वैसे ही होगा जैसे कि नवंबर में आवेदन हुआ, फिर आपका जनवरी फरवरी में एग्जाम हो गया। अभी एग्जाम अगर ये अभी क्या हुआ है ना, इसमें अभी आवेदन स्टार्ट करवाते हैं, फिर 22 नवंबर को फैसला आ जाए उनके हक में, फिर आवेदन प्रक्रिया रीओपन होगी, फिर आवेदन ये लंबा चलेगा, उसके बाद एग्जाम पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसके बाद हो सकता है एग्जाम आपका चुनाव के बाद जाए, जून जुलाई में आपका चुनाव जाए, वो सॉरी एग्जाम जाए आगे। लेकिन अभी उसको सोच के हमको चलना नहीं है, हमको सोच के ये चलना है कि हमको फरवरी में एग्जाम देना है, क्योंकि आप धोखा खा जाओगे। अगर आप जून जुलाई का सोच के चलोगे तो भी आप धोखा खा जाओगे। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा आपका जनवरी फरवरी में, तो जो बीच के 2-3 महीने होंगे वो दिक्कत नहीं देंगे आपको, उसमें रिवीजन करते रहोगे, आपका स्कोर बना रहेगा, क्योंकि फिर से पढ़ाई स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, डिमोटिवेट हो जाते हो, ठीक है ना? तभी अपने आपको क्या करना है, जनवरी तक अपने आपको कंप्लीट करना है। अभी इस भर्ती में देखो भाई यही चल रहा है। एक मुझे नो एंट्री मूवी का सीन याद आता है, प्रेम भाई थोड़ा नीचे, प्रेम भाई थोड़ा और नीचे, फिर वो कहता नहीं थोड़ा नीचे नीचे बोल बोल के कितना नीचे ले आया भे, मतलब यही चीज है भैया, थोड़ा और बोल बोल के 4-5 साल बीत चुके हैं आप लोगों के, ठीक है ना? हालांकि अब भर्ती आ रही है, बड़ी भर्ती आ रही है, ये चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। बेनिफिट यही है, प्लस पॉइंट यही है आपका कि आपके लिए इस बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है उसमें थोड़ा आराम मिलने वाला है। लेकिन कंपटीशन भी 4-5 साल से बच्चे बैठे हैं हाथ लगा के, तो कंपटीशन उस हिसाब से तो बढ़ेगी, लेकिन वैकेंसी डबल हो चुकी है, इस वजह से थोड़ा कंपटीशन में आपको आराम मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों? फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं, आप लोग इंतजार करिए थोड़ा सा और, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। हालांकि कोई टेंडर जारी नहीं होगा, कोई अब कुछ नहीं होगा इसमें, जो भी आएगा आपके लिए कैलेंडर जारी होगा या नोटिफिकेशन आएगा, हम भी उसी का वेट कर रहे हैं, आपको तुरंत सूचना देंगे जैसा भी कुछ होता है, या रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे जब भी तब सब कुछ बताते रहूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है दोस्तों? अपनी तब तक पढ़ाई पे फोकस करिए आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।